हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है और आज हम वापस आकृति का ट्यूटोरियल लेके आए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये विंडोज़ में या कोरल ड्रॉ में कैसे काम करता है, फोटोशॉप में कैसे काम करता है। तो आज उन लोगों के लिए है, स्पेशली जिन लोगों को अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा है कि भाई इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पेज ओपन करिए, गूगल क्रोम, उसके बाद वहाँ पे लिखेंगे अपाची ओपन ऑफिस। ये मैंने अपाची ओपन ऑफिस लिख लिया है और हम लोग अभी जाएंगे अपाची ओपन ऑफिस के पेज के ऊपर। ये रहा, यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है डाउनलोड के ऊपर। ये रहा डाउनलोड, वहाँ पे जाके हमें और विंडोज एक्स क्लिक के हमने डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नया ओपन पेज ओपन होगा। देखो यहाँ पे हम लोग अपाचे ओपन ऑफिस के यहाँ पे आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। जो अपना अपाची ओपन ऑफिस है वो 64 बिट के लिए भी काम करता है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी काम करता है। लेकिन ये होता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अपना आकृति जो सॉफ्टवेयर है वो भी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है। भले ही वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, लेकिन जो 64 बिट के जो भी सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ फोटोशॉप, उन पर वो नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको जो अपाची ओपन ऑफिस है वो आपको 32 बिट वाला ही लेना है। उसमें आता है 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको वही लेना है। अभी देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट टिपिकल जो है फुल साइज हमें इंस्टॉल करना है। ये भी इंस्टॉल हो रहा है। लास्ट टाइम के ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि भाई आकृति इंस्टॉल कैसे करते हैं। फॉन्ट है हम उसे इंस्टॉल करेंगे। देखो आकृति फॉन्ट में यहाँ पे इस सब सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑल यूज़र्स के लिए मैंने इसको अभी मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे पहला इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही आपको जो ओपन ऑफिस है अपाची का उसे ओपन करना है। देखो ओपन कर रहा हूँ, मैंने लिया है न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले सेटिंग में आकृति के, उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट है हिंदी मराठी जो भी आपको चाहिए वो लेना है। पहले आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा जो भी बाकी भाषा का है। यहाँ पे लिखा है आकृति, मैंने लिखा है इंग्लिश फोनेटिक लिया है, एप्लीकेशन में जेनरिक लिया है, जेनरिक ही रख देना है यहाँ पर। उसके बाद आकृति रेगुलर लिखना है यहाँ पे, जो सिलेक्ट करना है इसका मतलब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहला आकृति का फॉन्ट सिलेक्ट करके हमें बटन जो है रेड का राइट जो है रेड का जो है उसे ग्रीन करना है, ऑन करना है, जो आपके टॉप राइट साइड में है उसे।
फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा है मेरा नाम सागर है, मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा नाम सागर है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोरल ड्रॉ जो है ओपन करेंगे, हम लोग जाएंगे अभी कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे। तो ये गए और हम लोग अभी कोरल ड्रॉ ओपन कर रहे हैं। मेरे पास कोरल ड्रॉ का लेटेस्ट वर्जन है कोरल ड्रॉ 2020। तो अभी कोरल ड्रॉ जो है वो ओपन हो रहा है। आपके पास कोरल का कोई भी वर्जन रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कोरल ड्रॉ में काम करता है। उसके बाद में आपको फोटोशॉप में वो कैसे काम करता है वो भी बताने वाला हूँ। तो मैंने टेक्स्ट को जो है वो मैं भी इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी मैंने कट कर लिया, अंडू करता हूँ, कॉपी करता हूँ। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके हम लोग जाएंगे कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ तो अभी नहीं चालू हुआ है लेकिन चालू हो जाएगा। ये हो गया अपना कोरल ड्रॉ ओपन। यस, तो हम लोग जाएंगे और इसको लेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स। चलो भाई ये क्या छोड़ दो, इसे नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे फाइल न्यू और एक नया डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वहाँ पे लेके आएंगे। मैंने आकृति लिखेंगे, वीडियो को मैंने वो ऊपर का जो है उसे बंद किया था। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा आड़ा करेंगे। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टूल लेंगे, एमी कॉपी तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, मेरा नाम सर। देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइपिंग करने जाओगे तो टाइप नहीं होगा, उसके लिए ही मैंने आपको बोला है कि आपको अपाचे ओपन ऑफिस लेना है। अपाचे ओपन ऑफिस में आप टाइप करेंगे, उसके बाद उसको कॉपी करेंगे, फिर आप कोरल ड्रॉ में पेस्ट करेंगे तो ही वो काम करेगा। आपको डायरेक्ट टाइप नहीं करना है। देखो टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं कितना कोशिश कर, नहीं हो रहा टाइप, देखा। और हम लोग यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आपको टाइप यहाँ पे करना है अपाचे ओपन ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसे हमने आपको दिखाया कि अपाचे में टाइप करके हम लोग कोरल ड्रॉ में पेस्ट करके कैसे एक कोरल ड्रॉ का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, या फिर डिज़ाइन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या और किसी भी चीज़ के लिए हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग बाकी यहाँ पे फॉन्ट है, लेकिन वो फॉन्ट आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, गुजराती है, तमिल है, वो सब अभी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप गूगल पे जाके देख सकते कि भाई वहाँ पे कौन सा फॉन्ट मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि सेम टेक्निक हम लोग फोटोशॉप में कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग अभी जो है इसे क्लोज करते हैं कोरल ड्रॉ को, और हम लोग फोटोशॉप ओपन करते हैं। मेरे पास फोटोशॉप 2018 है, 2020 है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसा कुछ लिखता हूँ। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइपिंग का दिक्कत आ रहा है मुझे। सब्सक्राइब माय चैनल, खाली मैं इसको सबको एक लाइन में लेता हूँ।
करता हूँ देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करने वाले कॉपी करेंगे कॉपी यस हम लोग जाएंगे फोटोशॉप में, न्यू डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट क्रिएट में जाके हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल लेके इसे करेंगे पेस्ट। तो ये टेक्स्ट नहीं आया अभी, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लेंगे आकृति का फॉन्ट लेंगे, आकृति। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा ट्यूटोरियल जो है ये बार बार देखिए, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। अब टेंशन मत लीजिए, ये क्या बात, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अरे यहाँ से हम लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ। ये बताया फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, आकृति का फॉन्ट जो है आपको आकृति के नाम से ही हो गए, देखो मराठी हिंदी ये जो है अपना सब फॉन्ट यहाँ पे है, हिंदी वाले फॉन्ट। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपके सुझाव मुझे भेजते रहिए। और हाँ, अगर आपको नए टॉपिक के ऊपर कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपके लिए वो नया टॉपिक या ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। अगर कोई आपको आकृति के बारे में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। थैंक यू।